सामने पेट्रोल पंप, तो ये मेन हब बन गया है ये चौक। अब हमने सीधा जाना है तोतुक को। सैंड ड्यून्स, ये नुब्रा वैली है और नुब्रा वैली में फेमस है सैंड ड्यून्स, ओल्ड डेजर्ट भी कहा जाता है। और यहाँ पे डबल हम्प कैमल मिलता है सवारी के लिए, वो सामने है डबल हम्प कैमल। आरटीवी राइड भी मिलती है यहाँ पे और डबल हम्प कैमल की राइड भी मिलती है। वो सारा हुंदर है वो एरिया पूरा। यहाँ पे स्टे आपको टेंट भी मिलेगा, होम स्टे भी मिलेगा, सब चीज़। और ये चारों तरफ का व्यू देख लो। तो हम हैं सियाचिन के वार मेमोरियल पे। ये पीछे है सियाचिन कैफ़े। यहाँ पे हमने अभी टी ब्रेक लिया है, साथ में स्नैक्स में बिस्कुट वगैरह। काफ़ी देर से नॉन स्टॉप चल रहे थे उंदर से, वो टी पॉइंट से, वहाँ से चले हैं जो पेट्रोल पंप से, और नॉन स्टॉप ही आए हैं हम यहाँ पे। अब नीचे जाना है रिवर के साथ, शायोक के साथ साथ। और ये बहुत ही बढ़िया व्यू है सामने। तो अब फर्स्ट जो काम आएगा बोगडांग आएगा, और उसके लगभग हाफ एन आवर के बाद हमें शायद तो आ जाएगा, और आधा पौना घंटे की राइड हो रहा है अभी हमारी। चलते हैं। क्यू एंड विजिट अगेन, और वैली व्यू देख लीजिए, शायक रिवर व्यू ये देखिए। अब पूरा डाउन जाना है रिवर के साथ साथ, ये देखिए नीचे जाना है। सियाचिन वॉरियर्स, लैंडस्लाइड वाला एरिया है ये सारा। ऊपर देखिए कितना लैंडस्लाइड होता है यहाँ पे, बारिशों में तो 100% होता है यहाँ पे लैंडस्लाइड, और बार बार सफाई होती रहती है यहाँ पे। और ये शायक रिवर के बिल्कुल बराबर हो जाएंगे धीरे धीरे हम नीचे जाके। तो ये है बोगडांग विलेज। 18 में मैं यहाँ पे रुका था, हमने नेटवर्क ढूंढना था कॉल करने के लिए, और यहाँ मिल नहीं रहा था। तो ये बोगडांग है, बोगडांग। ओए पार्टिंग हो रही है, पार्टिंग। तो हम क्रॉस कर रहे हैं एक ब्रिज, सीपी ब्रिज 1 चलुका। तो इस ब्रिज की भी पहले म्यूजिक सुनिए। तो इस ब्रिज की भी अपनी स्टोरी है। ये जो 3 गांव हमने कैप्चर करे थे, री कैप्चर करे थे पाकिस्तान से, चलुका, तुरतुक, त्याक्षी और थांग, 3-4 हो गए। तो ये ब्रिज इसको कनेक्ट करता था इन गांवों को। तो पाकिस्तान ने काफ़ी ट्राई करी इसको डैमेज करने की, ख़त्म करने की, ताकि इंडियन आर्मी यहां पे एंटर ना कर सके, लेकिन आर्मी ने बचा लिया। और ये जो आगे के 3-4 गांव हैं वो सब इंडिया ने रिकैप्चर करा है। और जो इनका रिश्तेदार पाकिस्तान में था वो पाकिस्तान में रह गया, जो इंडिया में पाकिस्तानी था वो इंडिया में रह गया, बॉर्डर सील हो गया, उसके बाद नहीं जा सका कोई। और एक दो स्टोरी ये है कि शायोक रिवर में
मतलब कि कूद के वो पाकिस्तान गए, एक दो चार लोग भी अपने रिश्तेदारों से मिलने। तो ये ब्रिज 81 किलोमीटर है, K2 होम स्टे। तो ये ब्रिज जोड़ता है त्याक्षी को तुरतुक से और आगे थांग। मैंने एक चांस लिया है, टाइमिंग पता चल जाएगा। वैसे अगर जाने देंगे तो ठीक है, नहीं तो वापसी आ जाएंगे। 3 किलोमीटर अप डाउन हो जाएगा हमारा। तो अभी जा रहे हैं थांग विलेज को एक्सप्लोर करने। और मैं फर्स्ट टाइम 2018 में आया था थांग, तब तो बड़ी फॉर्मेलिटी होती थी। बीएसएफ वाले बहुत कुछ देखते थे, परमिट देखते थे, आधार कार्ड रख लेते थे, वापसी में देते थे। अब तो कुछ भी नहीं है, अब सिर्फ एंट्री करो लद्दाख की पुलिस के पास, बस उसके बाद चलो। कोई मतलब कि रोक टोक नहीं है। थांग जो है आखिरी गांव है और उसके बाद पीओके शुरू हो जाता है, जीरो पॉइंट आ जाता है आगे। तो 2018 की वीडियो लिंक में डाल दूंगा, आप देख सकते हैं आई बटन में आप क्लिक करके। जब मैं थांग गया था, त्याखी मैं तुरतुक आया था, सारा कुछ था उसमें। वो तब का रोड और अब की रोड में बहुत फ़र्क है, आप क्या करना, मज़ा आएगा आपको। वेलकम टू बॉर्डर विलेज थांग, लास्ट विलेज ऑफ इंडिया, डिस्टेंस 3.5 किलोमीटर। बॉर्डर विलेज, तो थांग विलेज से हमारी पोस्टें नज़र आती हैं और पाकिस्तान की भी पोस्टें नज़र आती हैं। ये बॉर्डर विलेज है हमारा इंडिया का, पीओके के साथ में, और आगे जीरो पॉइंट है। और सियाचिन के जो माउंटेन है वो भी नज़र आती है यहाँ से। ऊपर चोटियों पे पहुँचते हैं वो, और ऊपर यहाँ बाइनोकुलर से दिखाते हैं। अभी मौसम ख़राब है, पता नहीं दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे। ऊपर देखो कितनी बर्फबारी हो रही है। आज खारदुंगला में भी काफ़ी स्नोफॉल हुई है। अब कल बाइक को जाने देंगे नहीं देंगे समझ नहीं आ रहा। हमारे जाते हैं दोनों समय ही हमारा मौसम ख़राब हो गया। हमारी बार जाते समय जब हमें आना था तब भी खरदुंगला बंद हो गया, आज जाना था तब भी बंद हो गया। कल एक दिन रुकना पड़ेगा हमें। फिर सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, फोटोग्राफी प्रोहिबिटेड। ये सारे बंकर बने हुए हैं छोटे छोटे। तो यहाँ तक हम आए थे। यू आर 2.2 किलोमीटर अवे फ्रॉम पीओके। पिछली बार यहाँ तक आने दिया था, अब आगे तक जाने दे रहे हैं। लास्ट हमारा यहाँ था, यहाँ पे बाइनोकुलर वगैरह लगा हुआ था 2018 में। अब उससे भी आगे जाने दिया जा रहा है। वहाँ मज़ा आ गया, सब सिस्टम चेंज हो गया। ये शायक रिवर पाकिस्तान के अंदर जाती हुई। ये नॉर्थ दौरदन मोस्ट लास्ट कैफे एंड रेस्टोरेंट है थांग विलेज, मेहंदी राजा होम स्टे। तो ये आखिरी है। वेलकम टू बाल्टी किचन। तो 2 किलोमीटर आगे तक आ गए हैं लास्ट टाइम से, और काफ़ी डेवलप किया है यहाँ पे। ये आखिरी हमारा गांव, बॉर्डर गांव। तो हम पहुँच गए हैं थांग विलेज, आखिरी जो बॉर्डर विलेज है हमारा इंडिया का। और उसके सामने है पाकिस्तान विलेज, फारनू थांग विलेज ऑन इंडिया साइड एंड फारनू विलेज ऑन पाकिस्तान साइड। तो यहाँ से है वो फारनू विलेज सामने, छोटे छोटे घर दिख रहे हैं, ये फारनू विलेज है। और जो हमारी पोस्टें हैं यहाँ पे ऊपर है। वाओ, अमेजिंग। रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये चीज़ें देख के। तो आज की राइड बहुत ही सक्सेसफुल रही। सुबह हमने सियाचिन बेस
एक्सप्लोर किया और शाम को हमने थांग विलेज एक्सप्लोर किया और अब स्टे करेंगे तुरतुक को, थोड़ा अब एंजॉय करते फिर जाएंगे। थांग से अब निकल के सीधा तुरतुक जा रहे हैं। देखिए तुरतुक में कहीं भी अच्छी जगह मिलती है तो वाओ। यू आर 2 किलोमीटर अवे फ्रॉम पाकिस्तान, हेलो, यू आर स्टैंडिंग एट 1970 वार आर्मी बंकर। अच्छा, 1971 का यहाँ बंकर था। तो गाइस ये लिखा हुआ है यू आर स्टैंडिंग एट 1971 वार आर्मी बंकर, तो यहाँ पे पहले बंकर था यहाँ पे नीचे है इसके। अच्छा, अच्छा, ये बंकर है। ओके, ये बंकर है ना, 71 में ये बंकर था मतलब। और ये 2 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से। आप यहीं रहते हैं, क्या नाम है आपका? मोहम्मद इब्राहिम। ओके, बढ़िया भाई। बच्चों चलते हैं अब सीधा तुरतुक मेहंदी रजा पीए होम स्टे। अभी मकान तो बन गए हैं लेकिन चालू नहीं हुए, अभी सिर्फ रेस्टोरेंट शुरू हुए हैं अभी, और ये रात को सब नीचे चले जाते हैं और ये दो रास्ते जाते हैं। ऊपर वाला रास्ता जाना है, नीचे वाले से सिर्फ गांव-गांव में रह जाओगे। ऊपर वाला राजस्थान भाई, ये राजस्थान। तो गाइस हम आ गए हैं त्याक्षी समर कैंप एंड कैफ़े, जो कि बिल्कुल बॉर्डर पे जहाँ पे हमने एंट्री कराई थी बिल्कुल उसी के पास में ही है, त्याक्षी में ही है ये। और 200 मीटर होगा ना, तो ये कैंप्स हैं यहाँ पे सारे, बहुत ही बढ़िया कैंप है यहाँ पे। अभी हमने 2 कैंप ले लिए हैं और विद डिनर विद ब्रेकफास्ट मज़ा आ जाएगा। अभी खा पी के अपना आराम करेंगे और सुबह फिर तुरतुक घूमेंगे और शाम को हमने देखा थांग विलेज लास्ट विलेज और सामने पाकिस्तान का विलेज भी देखा हमने, मज़ा आ गया। तो अमित भाई कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। टूर कैसा लगा अभी तक? बहुत बढ़िया, मज़ा आया। आपकी जगह होम स्टे का आनंद लिया है? हाँ हाँ, होम स्टे हर जगह का आनंद लिया अलग अलग। तो बस अब खाना रेडी है, बस खा के रेस्ट करेंगे। और आप बताइए आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा, एक कमेंट करना। कोई भी क्वारी हो मुझे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं। इंस्टा हैंडल है jart_on_wheel। तो अंत में दोस्तों, राइड हार्ड, राइड सेफ, वंदे मातरम, जय हिंद, सायोनारा।